बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्र गढ़ी में सर्वर डाउन रहने तथा बंद रहने की वजह से यहां के गरीब राशन उपभोक्ताओं को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब भी 85% लोगों को 2 माह का राशन वितरण नहीं हो सका, जिनकी वजह से गरीब उपभोक्ताओं के साथ साथ राशन दुकान सेल्समैन भी परेशान हैं। गढ़ी क्षेत्र की 10 से ज्यादा राशन दुकानों में सैकड़ों गरीब आदिवासी परिवारों को राशन दुकानों में राशन के लिए घंटों इंतजार करने के बाद मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। यहाँ की राशन दुकानों में तमाम गरीब उपभोक्ता राशन लेने पहुँचते हैं, लेकिन सर्वर बंद या फिर डाउन रहने की वजह से उन्हें राशन नहीं मिल पाता है। फिलहाल चालू माह फरवरी में दिसंबर एवं जनवरी 2 माह का राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन अभी भी गढ़ी क्षेत्र में 85% लोगों को राशन वितरण नहीं हो रहा है और राशन वितरण प्रणाली में सरकार ने कालाबाजारी रोकने POS मशीन में थम लगाकर राशन वितरण की सुविधा शुरू की है, जो अब गरीबों के लिए दुविधा बनती जा रही है। और यही नहीं बल्कि गढ़ी क्षेत्र की राशन दुकानों में राशन सप्लाई के लिए RO 2 तारीख को काटा जाता है और राशन सप्लाई 22 तारीख तक की जाती है तथा आदेशित किया जाता है कि 26 तारीख तक पूरे उपभोक्ताओं को राशन वितरित कर दिया जाए। इतने कम दिनों में सेल्समैन कैसे सभी राशन कार्ड धारियों को राशन वितरित करे, यह भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि एक एक सेल्समैन के पास 3-3 राशन दुकानें हैं। सर आपका परिचय बताएंगे? सर मैं HM सोनी विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान परसामो आम गहन। सर यहाँ पे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं जी, सर्वेयर को लेकर उनका कहना है कि हमको समय पे जो है राशन नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है सर इसका? सर लगातार 3-4 दिन से परेशान है सर, सर्वर नहीं चल पा रहा है, सही ढंग से सर्वर चल नहीं रहा सर, और उसकी वजह से सर क्या है उपभोक्ताओं को जो है ना वो उनके फिंगर मैच नहीं हो रहे हैं सर, तो उसके वजह से सर वितरण में समस्या आ रही है सर। कब से समस्या है? ये 4 दिन हो गए सर लगभग। अच्छा आपका आरओ कब कटा था? आरओ तो सर मेरा अभी आया है सर 2 दिन पहले, यानी 22 तारीख को कटा था सर, 23 तारीख को मेरे को खाद्यान्न प्राप्त हुआ। और कितने दिन शेष बचे अभी आपको? अभी सर 25 तारीख तक केवल वितरण का डेट दी हुई है सर ऊपर से, मतलब हमारे व्हाट्सएप में डला हुआ है सर ये कि आपको 25 तारीख तक ही जनवरी के वितरण की वो रहेगी। एक तो आपको जो है जो राशन का राशन बहुत लेट लेट मिला है, दूसरा सर्वर भी प्रॉब्लम कर रहा है आपका मशीन का, समस्या है सर। तो ऐसे में आप कैसे सभी उपभोक्ताओं का जो है संभव नहीं है सर, वही लोग कुछ ऐसे भी हैं सर उपभोक्ता जो वंचित भी हो सकते हैं सर जनवरी के राशन से, या उनका राशन लेप से भी हो सकता है सर राशन। तो ऐसे में क्या व्यवस्था सही बने है इसके लिए, मतलब ऐसे सर इसके लिए व्यवस्था ये कि टाइम टू टाइम हमको राशन उपलब्ध करवाया जाए और सर्वर की अगर समस्या रहती है सर तो वितरण की यानी स्थितियां जो डेट है वो उसको बढ़ाई जाए, या फिर ऑफलाइन वितरण का ग्रामीण क्षेत्र है सर, ऑफलाइन वितरण की भी एक वो हो सकती है, लेकिन अगर शासन ऑफलाइन वितरण नहीं करवाना चाहती सर तो कम से कम सर्वर की समस्या विधिवत चलती रहे सर, ताकि ये उपभोक्ता परेशान ना हो सर, उपभोक्ता आते हैं सर जी डेट बढ़ाई जाए, या तो या ग्रामीण क्षेत्र है सर ये आदिवासी क्षेत्र है पूरे तरीके से, तो यहाँ तो ऑफलाइन वितरण करवाने की व्यवस्था जी आपको डेट बढ़नी चाहिए सर, अगर ऑनलाइन वितरण अगर हो रहा है तो डेट बढ़ना चाहिए। ऐसी कितनी गढ़ी क्षेत्र में ऐसी कितनी राशन दुकानें हैं जिनके साथ में ये समस्या आई? कम से कम सर अभी तो 10 राशन दुकानें ऐसी जिनमें समस्या आ रहा वितरण का, जिसको टाइम पे राशन नहीं मिल पाने के कारण में वितरण में समस्या आ रही है। कुछ राशन दुकानें ऐसी भी सामने आई है जी जहां जनवरी फरवरी का जो है राशन वितरण 0 की स्थिति। हाँ सर नहीं हो पाया सर वितरण, तो उनके साथ क्या समस्या है? उनके साथ समस्या वो ये सर समय पर राशन नहीं मिल पाया उनको, और फिर अब सर्वर का पर और अब जैसे तैसे राशन मिला सर तो सर्वर की समस्या आ रही सर, 4 दिन से सर्वर की बहुत बड़ी समस्या। आपने इस समस्या से अपने जो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? सर उच्च अधिकारियों को तो बिल्कुल व्हाट्सएप के माध्यम से, हम जो ग्रुप है हमारा उसके माध्यम से अवगत कराते रहते हैं सर। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? वो ये सर समस्या की समस्या सर लोग भी यही बोल रहे हैं कि सर ये सर्वर की समस्या जो ऊपर स्तर पे है, तो जैसे ही सर्वर की समस्या हल होगी हम आपको सूचित करेंगे। अच्छा, लेकिन क्या अगर इस दौरान अगर लेप्स हो गया उपभोक्ताओं का राशन? हाँ सर, तो फिर उनका तो नुकसान हो जाएगा सर, वो प्रशासन से क्या उसकी क्या व्यवस्था है? प्रशासन से यही सर मतलब निवेदन है कि वो डेट बढ़ाई जाए। सर आपका परिचय बताएं। मैं डीके रामटेक के सोसाइटी अंदर गढ़ी सर गढ़ी क्षेत्र की कम से 10 से लगभग 10 राशन दुकानें ऐसे जहां पे सर्वर जो है कभी डाउन रहता है, कभी बहुत स्लो चलता है, इसकी वजह से करीब 2000 उपभोक्ता है इनको राशन वितरण करने में परेशानी आ रही है। और अभी सिर्फ जो शासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि सिर्फ 2 ही दिन और शेष है बांटने के लिए, 2 तारीख को आरओ कटता है, 25 तारीख मतलब 2 तारीख को आरओ कटता, 23 तारीख को जो है राशन अलाट होता है, और 2 दिन में वो कैसे बांट पाएंगे? तो सर इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारे स्तर से तो अपन ये कोशिश करते हैं कि भाई खाद्यान्न जो है समय पे आ जाए,
ताकि समय पे वितरण कर सके, और खाद्यान्न लेट पहुंचेगा तो समय इतना कम रहता है कि वितरण कर पाना संभव नहीं रहता। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि समय पे खाद्यान्न पहुंचाए ताकि अपने उपभोक्ताओं को समय पे वितरण कर सके। सर्वर की समस्या बनी रहती है, जो उसके लिए अपन कोशिश करते हैं कि जहाँ सर्वर मिले वहाँ जाके बांटे, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाता कभी कभी। अभी जो आपके जो सेल्समैन है, कई दुकानें उन्होंने बताया कि डेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि दो दिन तीन दिन जो सेल्स बचे सर्वर के कारण वो पूरे उपभोक्ताओं का जो है राशन वितरण नहीं कर सके। खाद्यान्न लेट आया ना, तो प्रशासन से निवेदन है कि वो कुछ दिन उसके लिए डेट बढ़ा दे ताकि समय पे जो है। एक समस्या आ रहा है कि अगर डेट नहीं बढ़ाई जाती तो ऐसे में उनका राशन लेप्स हो जाएगा। नहीं, राशन लेप्स नहीं होता, वो अगले महीने का डेट पे दिखेगा, वो ऐसा रहता है उसमें। अच्छा, मशीन पे वितरण और कई अभी राशन दुकानें आपके अभी तक जीरो में है क्योंकि सर्वर नहीं, कई जगह तो खाद्यान्न नहीं पहुंचा है अभी तक जी। और जहां खाद्यान्न पहुंच गया वहां वितरण चालू है, क्योंकि दो महीने का इकट्ठे देना है, दो महीने का देना है। सर इसमें क्या कहां पर मतलब जो है कहां से समस्या आ रही है, कहां से ये सब व्यवस्था गड़बड़ा रही है? नहीं तो ये तो शासन स्तर का काम है, हमारा तो काम ही है कि आवंटन आया हमारे पास और हमारे स्तर पे आ गया तो हम लोग उसको समय पे वितरण करने की कोशिश करते हैं। रही बात सर्वर की, तो सर्वर कभी आता है कभी जाता है और इसमें परेशानी तो होती है, तो सर्वर की समस्या। ये राशन जो है लेट आवंटन होना राशन का, खासकर गढ़ी क्षेत्र में क्या वजह से? गढ़ी क्षेत्र में नहीं, ये सभी जगह होता है सही, एक गढ़ी प्रॉपर नहीं उसके लिए। 22 तारीख को विभाग स्तर पे जो है वो आवंटन जारी होता है, तो सभी जगह आता है। 22 तारीख को दो तारीख को आरओ कटता है, 22 तारीख को राशन अलाट होता है, और आप बोलते हो कि 25 के अंदर उसको जो है सारा बांटना है, उसके मतलब लास्ट डेट है हमारे यहाँ। तो ऐसे में कैसे संभव है? संभव नहीं है, इतना संभव नहीं है कि अपन उसको दो दिन बांट सके, क्योंकि ऑनलाइन वितरण करना है, कभी सर्वर चला नहीं चला परेशानी होती है उसमें, समस्या तो है। सर इसमें आपने अपने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया? मैं उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि समय पे खाद्यान्न पहुँचे तो उसकी डेट बढ़ जाए वितरण की, तो अपन समय पे पूरा खाद्यान्न बांट सके उपभोक्ताओं को। खैर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।